पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते। चला तर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। आता फलंदाज सुद्धा लगेच पाठवायचे आहेत। पंचांनी सुद्धा त्या ठिकाणी आता मैदानाचा ताबा घेतलेला आहे। तर या ठिकाणी आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण लावत असताना हा संघ येणाऱ्या पुढील दोन या दरम्यान आगमन झालेले आहे सन्माननीय दिनेश जाधव, त्यांचं हार्दिक स्वागत या स्पर्धेमध्ये, आपलं हार्दिक स्वागत। आगमन झालेलं आहे दिनेश जाधव यांचं। चला मैदानाच्या बाहेर राहायचंय खेळाडू समीर गोलंदाजी करण्यासाठी येणार आहे। स्ट्राइक वाला असणार आहे सौरभ, नॉन स्ट्राइक एंडला असणार आहे रोशन आणि पहिली गोलंदाजी करण्यासाठी येतोय समीर। सुरुवातीच्या दोन षटकांसाठी मायक्रोफोनवर येतील राकीब। थँक्यू व्हेरी मच संदीप बागुल सर। तो इस वक्त मुकाबला खेलने जा रही है दो टीमें, संयुक्त स्पोर्ट और स्वयंभू स्पोर्ट। अगर संयुक्त स्पोर्ट के बल्लेबाज सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो वैभव वल्लाल जी की तरफ से 2000 रुपए का इनाम, चौकों की हैट्रिक लगाते हैं तो फिर 1000 रुपए का इनाम, विकेट की हैट्रिक लेते हैं तो भी 2000 रुपए का इनाम वैभव वल्लाल की तरफ से। तो मुकाबला खेलिए, जीतिए, अच्छे शॉट लगाइए और इनाम पाइए। पहला ओवर लेकर आते हुए समीर, इस बार अच्छा कट शॉट वहां पर बल्लेबाज का, गेंद जारी है बाउंड्री की तरफ, ये देखिए खिलाड़ी से चूक और गेंद मैदान के बाहर, 4 रन। ये देखिए देवेंद्र यादव अब काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अक्षय जोड़े हमारे साथ काफी अच्छे बल्लेबाज है लेकिन इस साल अभी तक एक्शन में नजर नहीं आए हैं अक्षय। इस 4 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर बल्लेबाज सौरभ ने। इसी बीच वहां पर फ्लिक के अंदाज में खेला, कलाइयों का इस्तेमाल, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, बल्लेबाज स्वयं सौरभ आउट होकर पवेलियन लौटते हुए स्वयंभू स्पोर्ट को पहली सफलता मिलती हुई पहले ही ओवर में। बड़ा झटका लगा इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट को सौरभ के रूप में। देखने अब कौन आते हैं बल्लेबाजी के लिए, निशांत देखने अपने बल्लेबाजी में क्या अपना निशान छोड़ पाएंगे या नहीं। देखिए अगर सिक्सर की हैट्रिक लगाती है संयुक्त स्पोर्ट तो फिर 2000 रुपए का इनाम है, ये सभी खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। और अगर रुपेश लगाते हैं तो फिर समीर की अगली गेंद, नए बल्लेबाज निशांत उनका सामना करेंगे। इसी बीच स्विच हिट है, गेंद जारी है थर्ड मैन की तरफ, काफी लंबा फासला तय करके खिलाड़ी ने गेंद को रोका। इसी बीच 2 रन पूरे हुए, तीसरे के लिए पलट चुके हैं और 3 रन भी पूरे हो गए। ये देखिए चौथे के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। इस 3 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, 7 रन्स। देखना है इस वक्त हमसे जुड़ते हुए फैसल अंसारी जो अब कुछ ही समय बाद एक्शन में नजर आएंगे।
इस सीजन में अभी तक उनके गेंदबाजी के जलवे देखने को नहीं मिले हैं। इस बार वहां पर तान दिया है बल्लेबाज, निशांत ने बिल्कुल अपना निशान छोड़ दिया इस वक्त अपने बल्लेबाजी से। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 13 रनों पर पहुंचा है। कमाल की बल्लेबाजी, पहली गेंद का सामना कर रहे थे। ये सिटी मर्जिंग का एक अलग ही चाम है। कोई भी बल्लेबाज जब पहली गेंद खेलता है तो नर्वसनेस नहीं फील करता है, ना कि बड़े गेंदबाज को सम्मान देता है। पहली ही गेंद पर सभी बल्लेबाज डायरेक्ट धावा बोलते हैं। इस बार फिर से तान दिया है, लेकिन इस बार गेंद हवा में है, फाइनल की तरफ गई थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे। केवल एक रन, और इस एक रन की मदद से स्कोर है 14 रन। पहले ओवर का खेल चलता हुआ और कुल रन बन चुके हैं 14-14 रन। देखिए इसके बाद की दोनों टीमें बिल्कुल आपको तैयार रहना है। रहमानिया स्पोर्ट बनाम एमजे स्पोर्ट, आज के दिन का बहुत ही रोमांचक मुकाबला। इसी बीच वहां पर एक शानदार शॉट, लेकिन खिलाड़ी बीच में आ गए और पारी समाप्त होती हुई। रोशन की अपने टीम के परफॉर्मेंस को रोशन नहीं कर पाए वहां पर बल्लेबाज। रोशन आउट होकर पवेलियन लौटते हुए दो गेंदों का सामना किया और 3 रन बनाकर पवेलियन लौटते हुए। देखिए एमजे स्पोर्ट के कैप्टन और रहमानिया स्पोर्ट के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है इनिंग के खत्म होने से पहले पहले। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त निरंजन। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त निरंजन, जो कि फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, और स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज निशांत। गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं दूसरे ओवर की तेजस। देखिए संयुक्त स्पोर्ट के लिए इस वक्त काफी इनाम आता है। अगर सिक्सर के हैट्रिक कोई भी बल्लेबाज लगाता है तो 2000 रुपए का इनाम है वैभव वल्लाड़ की तरफ से। चौकों की हैट्रिक लगाता है तो 1000 रुपए का इनाम है वैभव वल्लाड़ की तरफ से। और अगर टीम के कैप्टन रुपेश सिक्सर की हैट्रिक लगाते हैं तो 4000 रुपए का इनाम है। इसी बीच लोअर फुल टॉस, हो गेंद के बाहर दे मारा बल्लेबाज ने 6 रन। बिल्कुल डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई 6 रनों के लिए। ये देखिए निशांत फिर से एक बड़ा हिट लगाते हुए, बिल्कुल अपना निशान छोड़ने से वक्त बल्लेबाजी में वहां पर निशांत। ये देखिए काफी समय के बाद गेंद मैदान पर लौटी। ये देखिए रहमानिया स्पोर्ट टीम के कैप्टन इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। एमजे स्पोर्ट के कैप्टन, आपको भी टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। इसी बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का लीडिंग एज, वहां पर निशांत की पारी शांत होती हुई समाप्त। दो बड़े हिट लगाए अच्छे उन्होंने, 4 गेंदों में कुल 13 रनों का एक अच्छा योगदान दिया अपनी टीम को बल्लेबाजी में। देखने पर नए बल्लेबाज इस वक्त, ये देखिए एक बल्लेबाज निशांत आउट होकर जा रहे हैं तो दूसरे बल्लेबाज निशांत बल्लेबाजी को आ रहे हैं। इस वक्त कुल रन बने हैं 20-20 रन। देखा जाए तो 3 विकेट अभी गिरा इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट का। रन अच्छे बने हैं लेकिन कहीं ना कहीं अतिरिक्त विकेट खोया यहां पर इन्होंने।
ये देखिए सगीर शेख हमसे जुड़ चुके हैं। इसी बीच छोटी गेंद, उसे भेज दिया वहां पर बल्लेबाज ने फाइन लेग के बाहर 6 रनों के लिए। इस वक्त करण कासार भी हमसे जुड़ चुके हैं। देखना है अब अगला मुकाबला, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही दिलचस्प क्लैश ऑफ टाइटन, बिल्कुल थ्रिलर रहेगा इस टूर्नामेंट का। एमजे स्पोर्ट जो कि इस सीजन में पहली मर्तबा, इस सीजन में क्या सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर पहली मर्तबा खेलने जा रही है, उसमें काफी पुराने खिलाड़ी नजर आएंगे। इस बार फिर से तान दिया है क्या गेंद मैदान के अंदर, जी हाँ, एक और बल्लेबाज की पारी समाप्त। 26 रनों पर चौथा झटका लगा, बिल्कुल हाँ, एक तुम्हारी एक हमारी इस वक्त चलता हुआ, कभी संयुक्त भारी तो कभी स्वयंभू भारी, लेकिन सबसे भारी पूनम चंद जी गुप्ता ट्रॉफी हमारी। नए बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं राहुल। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मैं अगर बात करूं तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें राहुल ने तो शतक जड़ दिया है। सेंचुरियन मैदान पर साउथ अफ्रीका में जाकर अपना लोहा मनवाया उन्होंने। अब आए हमारे भिवंडी शहर के राहुल, देखना ये क्या करते हैं। कल का दिन बारिश के कारण मुकाबला नहीं शुरू हुआ, देखना है आज क्या कुछ खेल होगा। इसी बीच अच्छा ड्राइव खेला वहां पर बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर है 27 रन 27 रन। दोस्तों देखना मत भूलिएगा, इसके बाद अमान ट्रॉफी इनामात की मिसाइल के साथ इरफान शेख और गुलाम साबिर के दिन। उसके बाद देखना मत भूलिएगा उत्तर भारतीय चषक, जहां पर केवल 16 टीमें हैं सिटी मर्जिंग की और काफी टीमों की एंट्री हो चुकी है, बहुत ही कम सीट अवेलेबल है, जल्द से जल्द अपनी एंट्री करवाना है। इस बार छोटी गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा, लेकिन वहां पर नहीं मिला फील्डर का सहारा। इसी बीच दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल रन बने हैं 28 28 रन। रन तो काफी अच्छे बने अगर हम देखें इस वक्त तो संयुक्त स्पोर्ट के, लेकिन एक ही चीज उनके अगेंस्ट गई है, वो है विकेट्स। 4 विकेट गवा दिए हैं। अब आखिर के दो ओवर में क्या कुछ होगा ये सब बताएंगे आपको मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागुल सर। धन्यवाद। या ठिकाणी आता गोलंदाजीसाठी येणार आहे जय। खास करून या ठिकाणी आपण पाहतोय स्वयंभू पायगाव हा संघ आपण चांगली कामगिरी करत असताना, खास करून पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं 14 धावा आल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा 14 धावसंख्या आता 28 झालेली आहे आणि 28 धावांच्या मोबदल्यात जवळजवळ या ठिकाणी 4 गडी बाद झालेले आहेत। जयकडनं पुढचा चेंडू, याळ मात्र बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये आणि हा चेंडू अतिशय चांगला वेगवान चेंडू असा टाकला गेला। गुडलेंथवर टप्पा पडल्यानंतर सरळ जो आहे चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात, खास करून त्या ठिकाणी बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाही या फलंदाज। चांगली सुरुवात या ठिकाणी जय आल्या आल्या डॉट चेंडूची हाताळणी करतोय। या मात्र बल फुलटो चेंडू घेतला होता बॅटच्या मधोमध, फटक्या मागे एवढी ताकद नव्हती, हवेत चेंडू असताना लॉंग ऑफला खेळाडू त्या ठिकाणी येतोय आणि एक चांगला झेल तेजसच्या माध्यमात पाहायला मिळतोय। खरं तर आपण पाहिलं मोठे फटके खेळण्याच्या प्रयत्नात फलंदाज त्या ठिकाणी फसतोय, आमंत्रित केलं होतं गोलंदाजाला माहिती होतं कुठेतरी काहीतरी चूक घडेल फटका खेळला जाईल आणि तेच आपल्याला पाहायला मिळालं आणि फलंदाज त्या ठिकाणी खेळून बसला आणि एक महत्वाचा गडी या ठिकाणी बाद झालेला आहे। नवीन फलंदाज आता येईल विशाल आलेला आहे आणि या इथून जर चांगला सन्मानजनक धावसंख्या उभारायची असेल तर पार्टनरशिपची गरज आहे। पुढचा चेंडू आपण पाहिला बॅटच्या मधोमध घेतला, बिर काढून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून, हा जाणार आहे षटकार। अतिशय जबरदस्त फटका आपण पाहिलं, चेंडू टाकायच्या अगोदर त्याच्यावर मोहर लागली होती 6 धावांची आणि हा एक
जबरदस्त टोलावलेला फटका, बराचसा वेळ हवेत असताना ताकत खूप फटक्या मागे होती आणि खरोखरच त्या ठिकाणी हा फलंदाज ज्याच्याजवळ एक काबिलियत आहे मोठे फटके खेळण्याची आणि जेव्हा जेव्हा खराब चेंडू भेटतो त्याचा हा चोख समाचार घेत असतो, अतिशय चांगला फटका त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळालाय आणि निश्चित स्वरूपात आल्या आल्या त्याने आपलं खातं निरंजनच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. पुढचा चेंडू, यावेळी मात्र फुलटो चेंडू होता, बॅटची आतली कट निश्चित स्वरूपात लागली, यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी चेंडूला अडवू शकला नाहीये, परंतु एक धाव घेण्याची संधी त्या ठिकाणी उपलब्ध झाली, एक धाव आरामात पूर्ण केलाय. स्ट्राइकला रोटेट केलेलं आहे, धावसंख्या आता झालेली आहे 35 धावा झालेल्या आहेत. एक चांगल्या सुस्थितीत संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक प्रगतीपथावर, जागेवर मारलाय यावेळी मात्र, पुन्हा एकदा पाहून पाहाल दाखवट अब्दा स्क्वेअर खेळून काढला, अतिशय चांगला फटका होता, परंतु एकच धाव त्या ठिकाणी या फटक्या पाठीमागे मिळेल. नियंत्रणामध्ये करावी लागणार आहे गोलंदाजी. 36 वर जाऊन पोहोचलेला आहे आता स्कोर, धावसंख्या 36 झालेली आहे. ताबडतोड बलेलबाजी करताना आपण पाहतोय फलंदाजाला, यावेळी पाहू शकाल आपण पुन्हा एकदा जागेवर मारण्याचा फॉलो थ्रू मध्ये आणि चांगला प्रयत्न त्या ठिकाणी, चेंडूला अडवलं जाते, सोबतच या ठिकाणी तिसऱ्या षटकाची समाप्ती. तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या ही झालेली आहे 36. 36 धावांच्या मोबदल्यात जवळजवळ 5 गडी बाद झालेले आहेत. पहिल्या षटकात समीरने चांगली कामगिरी केली, महत्वाचा गडी बाद केला, 14 धावा खर्च केल्या. दुसऱ्या षटकामध्ये तेजसने 14 धावा दिल्या आणि जय याने अतिशय चांगली गोलंदाजी, नियंत्रणभरी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. फक्त धावा त्याने खर्च केल्या त्या 8 आणि महत्वाचा गडी सुद्धा बाद करून गेला, एक गडी सुद्धा त्याने बाद केलेला आहे. जर आपण फलंदाजीचा विचार करू, टॉप ऑर्डर फलंदाज, जसं की आपण पाहिलं सौरभ जो की चार धावा करून तंबू मध्ये परतला, रोशन खास करून काही हवी तशी फलंदाजी करू शकलेला नाहीये, रोशन सस्त्यामध्ये निपटला, 3 धावा करून तंबू मध्ये परतला. निशान जो की 13 धावा करून तंबू मध्ये परतलेला आहे, चांगलं योगदान राहिलं निशानचं. नंतर आउट झाला होता निशांत पाटील जो की 6 धावा करून परतलाय आणि रोहित जो की फक्त 1 धाव करून परतलेला आहे. 36 धावा झालेल्या आहेत. शेवटचं षटक आणि शेवटचं षटक घेऊन येत आहेत नितीन. चला तर कॅप्टन नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. यावेळी मात्र अतिशय चांगला फटका ऑन द राईस खेळला होता, मिड विकेटला गेलाय चेंडू, चेंडूला कलेक्ट केलं गेलंय, फक्त 1 धाव मिळतीये. यानंतर होणारा जो सामना आहे कॅप्टन आपण तयार राहायचोय, रेमानिया स्पोर्ट्स आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळतील एमजे. रेमानिया आणि एमजे दोघेही करून आपण लगेच तयार राहायचंय कारण नाणेफेकी आपण करून घेणार आहोत. पुढचा चेंडू या ठिकाणी नितीन कडनं. यावेळी मात्र आपण पाहू शकाल बॅटच्या पट्ट्यात घेतला नव्हता चेंडू, एक धाव घेत जोरात पूर्ण केले, दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न होईल, परंतु त्या ठिकाणी आपण पाहिलं चेंडू हातात ठेवला, कोणत्याही प्रकारची संधी दिली नाहीये, एका धावेतच समाधान त्या ठिकाणी मानावं लागतंय फलंदाजांना. खर तर आपण पाहतोय शेवटच्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी, सटीक गोलंदाजी, नियंत्रणवाली गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि कोणत्याही प्रकारची संधी देत नाहीये आणि एक चांगला चांगला टप्पा त्याच्याजवळ असताना आपण त्याला पाहतोय. यावेळी मात्र अतिशय जबरदस्त स्वयं पूल केलेला हवेला, धावे चेंडू लवानला आणि अप्रतिम झेल, फलंदाज मात्र इथे फेल. चांगले फटकेबाजी होत असताना आपण पाहिलं, परंतु यावेळी आपण पाहिलं फटक्यामध्ये फटक्यामागे एवढी ताकद नव्हती, हवेत चेंडू खेळून बसला आणि लॉंगॉनला एक सरळ सोपा झेल पकडत असताना आपण पाहिलं ज्याचं नाव होतं गोट्या, त्याने अतिशय चांगला झेल घेतला आणि या अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा त्याने झेल घेतलेले आहेत. मागच्या सामन्यामध्ये मला असं वाटतंय की गोट्या होता, भावेश होता, परत तेजस होता, जय होता, या सगळ्यांनी चांगली कामगिरी केली होती. खास करून मी तर म्हणेन की स्वयंभू संघ हा त्यांचं क्षेत्ररक्षण विचार केला तर अतिशय चांगला चांगलं क्षेत्ररक्षण त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतंय आणि या स्वयंभू पायगाव संघामध्ये चांगले शिकलेले खेळाडू सुद्धा आहेत की जे चांगलं कॉलेज करतायत आणि सोबतच क्रिकेट सुद्धा खेळतायत. नितीन पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर, खास करून शेवटचे षटक अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळत असताना निरंजन स्ट्राईकला मात्र मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू, हवेचा हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेता आलेला नाहीये, चेंडू सरळ जाईल हा यष्टी रक्षकाच्या हातात, निर्धाव असा चेंडू. शेवटच्या षटकामध्ये अतिशय चांगली कामगिरी होत असताना आपण पाहतोय
मोठे फटके खेळू दिले जात नाहीये, संघर्ष करावा लागतोय, नाकी नऊ आणलेला आहे आणि खरोखरच एक भेदक मारा याच्याकडनं पाहायला मिळतोय. नितीन यावेळी पाहू शकाल, आता मात्र मिड विकेटच्या डोक्यावरनं सरळ मॅच बॅटच्या मधोमध घेतलाय, सरळ चेंडू गेलाय षटकारासाठी. कमालीची फटकेबाजी त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. खास करून उंच असा खेळाडू त्या ठिकाणी स्ट्राईकला आहे ज्याचं नाव आहे निरंजन. कमालीचा फटका त्याच्या बॅट मधला पाहायला मिळाला. काय इलेव्हेशन होत, तुफानाचा फटका. यावेळी पुन्हा एकदा जागेवर मारण्याचा प्रयत्न ऑफस्टंपच्या बाहेर चेंडू होता, परंतु हवा तसा बॅटच्या पट्ट्यात घेता आलेला नाहीये. सोबतच आपण पाहिलं या ठिकाणी चार षटकांची समाप्ती झालेली आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं धावसंख्या 44 झालेली आहे, तो 45 धावांचं लक्ष असणार आहे. हा मैं टॉस करने जा रहे अगले मुकाबले का, एमजे स्पोर्ट बनाम रहमानिया, दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है प्लीज. ये देखिए रहमानिया के कैप्टन मुदस्सिर अलवी और एमजे स्पोर्ट के कैप्टन अतीक काफी समय बाद एक्शन में नजर आएंगे. आइए भावेश कदम के मुबारक हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. आपको टॉस बॉक्स में आना है. हमारा टॉस बॉक्स प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, महापौर मैडम के नाम से ये टॉस बॉक्स. ये देखिए भावेश कदम इस वक्त हमारे बीच में जुड़ते हुए, इनके मुबारक हाथों से बड़े मैच का टॉस. सर पहले आपको टॉस दिखाना, एक तरफ है श्री पूनम जी गुप्ता, दूसरी तरफ है संयुक्त स्पोर्ट. इस वक्त संयुक्त कहना है वहां पर स्पोर्ट के कैप्टन अतीक और आया पूनम गुप्ता है. भावेश कदम जी, मुदस्सिर अलवी आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे. क्या कारण है कि फील्डिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था जब आपने लेट इफ्तिखार अंसारी में यहां पर टूर्नामेंट खेला, पहला मैच हमेशा की तरह बहुत ही शानदार अंदाज में जीते, अगले मैच में कहीं ना कहीं फिर से गलतियां हुई, तो क्या इस बार उस सारी खताओं को भूलकर आगे आ रही है रहमानिया स्पोर्ट? बिल्कुल बिल्कुल, सारी खताओं को भूल के इंशाल्लाह आगे आएगी और आप एक नया रूप देखेंगे आज रहमानिया का. क्या नदीम शेख, मैंने जो पिछले सीजन में भी देखा था, माफ करिएगा नदीम शाह, जो एक मैच के बाद कहीं ना कहीं थोड़े फीके पड़ जाती हैं, क्या उनके ऊपर काम किया इस वक्त रहमानिया स्पोर्ट ने? नहीं, उनके ऊपर नहीं, पूरी टीम के ऊपर काम किया है. 11 के 11 प्लेयर पर काम किया, एक प्लेयर से टीम नहीं चलती है, आपको सबको लेके चलना है, तो आप एक पर्टिकुलर प्लेयर पर फोकस नहीं कर सकते. क्या कहना चाहेंगे, सगीर शेख भी टीम में मौजूद हैं, काफ़ी अनुभव है उन्हें क्रिकेट का. बस हमारी टीम थी, सगीर के आने से और मुनव्वर भाई के आने से एक्सपीरियंस पूरा मिल गया हमको, इंशाल्लाह बाकी तो टीम बहुत अच्छी है. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे रहमानिया के कैप्टन मुदस्सिर अलवी. अब हम जुड़ रहे हैं एमजे के कैप्टन अतीक से. अतीक, एमजे स्पोर्ट पहली मरतबा आप सीजन में उतरने जा रही है, क्या पहली बार उतर रही है, चुनौतियाँ कड़ी पेश करेगी रहमानिया के सामने? जरूर, प्रैक्टिस तो पूरी हुई है. देखिए रहमानिया स्पोर्ट में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के साथ आपने कभी ना कभी खेला है, काफी सब घरेलू जैसा रिश्ता है, तो मैदान पर क्या घरेलू याराना रहेगा या फिर बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी? टक्कर तो देंगे. तो क्या कोई और खिलाड़ियों से अपेक्षा है आपको इस सीजन में? कंप्लीट टीम है पूरी. अगर आप टॉस जीतते तो क्या लेते अतीक? मैं बैटिंग ही करता. मनचाही मुराद मिल चुकी है. थैंक यू वेरी मच. ये थे एमजे स्पोर्ट के कैप्टन. न्यूज फ्रॉम दी टॉस बॉक्स, रहमानिया स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. बैक टू द कमेंट्री बॉक्स. इसी बीच पहली गेंद वहां पर तान दिया बल्लेबाज ने.
ये देखिए पहली गेंद पर झटका लगता हुआ इस वक्त स्वयंभू स्पोर्ट को। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं विक्की। तो इस वक्त पहली गेंद पर झटका लगा वहां पर स्वयंभू स्पोर्ट को निखिल के रूप में। इसी बीच वहां पर बहुत तेज तर्रार गेंद बीट हुए बल्लेबाज डॉट बॉल। बहुत कमाल की गेंदबाजी गेंदबाज है वहां पर। सरद है गेंदबाजी में। इसी बीच बड़ा शॉट खेला वहां पर बल्लेबाज ने। गेंद हवा में है। खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। फिर से एक बार अच्छी गेंद लेकिन इस बार खूबसूरत शॉट और देखने हैं वहां पर एक और बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। बहुत ही शानदार कैच था खिलाड़ी निशांत का। ये देखिए अपना निशान छोड़ दिया उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़कर। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के काफी करीब थे लेकिन उसके बावजूद भी अपना संतुलन नहीं खोया। आखिरी समय तक गेंद पर नजरें जमाई रखी। जब गेंद को लपका तो अपने पैर को देखा कि अंदर है या नहीं। बहुत ही खूबसूरत कैच। देखना है नए बल्लेबाज इस वक्त आए हैं तेजस। अब तक पहले ओवर में केवल एक रन बना है और दो बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही खराब शुरुआत इस वक्त हम कह सकते हैं स्वयंभू स्पोर्ट की। इस वक्त स्ट्राइक पर है तेजस। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। यही कारण है कि अब ऑन साइड का फील्ड कसा जा रहा है इस वक्त। अगली गेंद। इसी बीच बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ। एक रन बना। दूसरी के लिए जाना चाहते थे लेकिन मना किया। एक से ही सहमत। इस एक रन की मदद से इस वक्त स्कोर है दो रन दो विकेट का। देखिए रन बने हैं दो और विकेट भी गिरे हैं दो। इस बार तान दिया है गेंद हवा में। ओ हो बहुत अच्छी कोशिश वहां पर खिलाड़ी की। रनिंग जंप लगाया था लेकिन गेंद को रोकने में सफल नहीं हुए। गेंद चले गए लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रनों के लिए। बहुत ही ताकतवर स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज उमेश ने। ये देखिए दिलशाद चौधरी हमसे जुड़ते हुए वेलकम। इस वक्त स्कोर हम देखे तो आठ रन एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन बने हैं आठ। बहुत अच्छी पहले ओवर की गेंदबाजी देखने को मिली। सरस से पांच गेंदें बहुत ही कमाल की। अंतिम गेंद पर स्लॉट में गेंद कर दिया था और बल्लेबाज ने उसे प्लॉट में भेज दिया दूसरे।
पांच ओवर तीन ही मैच रखे इसके बाद वाला दूसरा ओवर लेकर आ रही है गेंदबाज निशांत। इस बार बहुत ही करारा शॉट और गेंद जाती हुई सीधा प्रियांशी स्टूडियो में, बहुत ही तंदनाते तार सिक्सर। इस 6 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 14 रन बिल्कुल यहां पर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं बल्लेबाज तेजस ने कहते हुए आ देखिए जरा किसमें कितना है दम। अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद हवा में है, ओ हो हो हो, ये वहां पर कैच छूटा, गेंदबाज निशांत का दिल टूटा और बल्लेबाजों ने इसे बीच 3 रन भी लूटा। इन 3 रनों की मदद से इस वक्त स्कोर है 17 रन 17 रन। अब कहीं ना कहीं चिंतित नजर आते हुए इस वक्त संयुक्त स्पोर्ट के दर्शक काफी भारी संख्या में उन्हें सपोर्ट करने के लिए इस वक्त दर्शक मौजूद हैं इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर। निशांत की अगली गेंद उमेश के लिए, इस बीच बल्ले का अंदरूनी किनारा और पारी समाप्त हो गई वहां पर उमेश की, फिर से शॉर्ट पिच गेंद वही रणनीति और सफलता हाथ लगी वहां पर निशांत की। सिक्सर लगने के बाद अच्छा कमबैक किया वहां पर गेंदबाज निशांत ने, तो इस वक्त तीसरा झटका लग चुका है स्वयंभू स्पोर्ट को। उनके सामने जो चुनौती हम देखे तो इस वक्त 45 रनों की है 45 रन और अब तक कुल 14 रन बने हैं यहां से जीत के लिए और 31 रन चाहिए बची हुई 15 गेंदों में। अबे इतना जल्दी नए बल्लेबाज इस वक्त आए हैं नितिन, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे जी हाँ, क्योंकि कॉट बिहाइंड आउट हुए थे बल्लेबाज। ये देखिए पहली गेंद और स्विच हिट, बहुत ज्यादा गेंद बाहर, ऑफ स्टंप के वाइड घोषित किया अंपायर ने। देखिए जब बल्लेबाज स्विच हिट करता है अगर लाइन के बाहर आपकी गेंद होगी तो अंपायर उसे वाइड दे सकता है। निशांत की अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, तान दिया है, मौका है और ये देखिए वहां पर शून्य का चश्मा पहनकर नितिन पवेलियन लौटते हुए गोल्डन डक, पहली बॉल का सामना किया था और लॉन्ग ऑन के हाथों में कैच देकर आउट हो गए। तो इस वक्त चौथा झटका लगा है स्वयंभू स्पोर्ट को नितिन के रूप में नए बल्लेबाज इस वक्त हैं। इस वक्त नए बल्लेबाज हैं भावेश और बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर आएंगे तेजस। निशांत अगली गेंद लेकर तेजस के लिए, अब कहीं ना कहीं तेजस का रहना बहुत जरूरी है क्रीज पर, क्योंकि अगर तेजस अंतिम ओवर तक खेलेंगे तो मुकाबले में रोमांच बरकरार रहेगा। इसी बीच गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है डीप मिड विकेट में, एक रन बना, ये देखिए ओहो बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज तेजस। दो ओवर के बाद
अभी दूसरे ओवर का खेल चलता हुआ। इस वक्त कुल रन बने हैं 19, चार विकेट के नुकसान पर 19 रन लॉस्ट ऑफ 4 विकेट्स। यहां से और 26 रनों की जरूरत है इस वक्त स्वयंभू स्पोर्ट को मैच जीतने के लिए, बची हुई 13 गेंदों में। तो यहां से जो आस्किंग रन रेट है पूरे 12 का है और हर गेंद पर 2 रनों की जरूरत है। अगली गेंद निशांत की, ओ इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। वो पॉइंट ऐसा है जहां पर फील्डिंग करना सबसे मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि कभी भी वहां से गेंदे अपना रुख मोड़ लेती है और खिलाड़ी को चकमा देती हुई निकल जाती है फौरन सरपट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो इस वक्त दूसरे ओवर की समाप्ति अब हो चुकी है, कुल रन बने इस वक्त 20, यानी कि 10 के रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ रही है स्वयंभू स्पोर्ट। और बची हुई अब यहां से 2 ओवर में जो रन चाहिए 25, तो अब यहां से उन्हें 12.50 के रन रेट की जरूरत है। देखना है क्या फिर ये रन पूरे होंगे या फिर संयुक्त अपनी गेंदबाजी से हावी होगी, ये सब कुछ बताएंगे आगे की कहानी मेरे साथी कमेंटेटर संदीप बागुल की जुबानी। धन्यवाद रकीब। या ठिकाणी आपण पाहू शकाल 45 धावांचे लक्ष्य असताना धावसंख्या झालेली आहे ती 20। अजूनही पंचवीस धावा या ठिकाणी असणार आहे जिंकण्यासाठी। पहिल्या षटकामध्ये शरद याने 8 धावा खर्च केल्या, दुसऱ्या षटकामध्ये नितीन याने 12 धावा खर्च केल्या आणि तिसरं षटक जे की आता घेऊन येतोय ज्याचं नाव आहे किरण आलेलं आहे। स्ट्राईकला असणारे भावेश नॉन स्ट्राईक एंडला आहे तेजस। येणाऱ्या 12 चेंडूंवर 25 धावांची आवश्यकता आहे जिंकण्यासाठी स्वयंभू पायगाव या संघाला। षटकातला पहिला चेंडू आणि आपण पाहू शकाल हवेत चेंडू असताना त्या ठिकाणी लो मॅन्स लँड मध्ये पडतो। खरं तर प्रयत्न केला होता मिड विकेटच्या खेळाडूने, बराच वेळ हवेत चेंडू होता, परंतु तीन तीन खेळाडू त्या ठिकाणी झेलच्या खाली येत असताना आपण पाहिलं आणि थोडाफार कुठेतरी त्या ठिकाणी संभ्रम पैदा झाला की काय हवेत चेंडू असताना इट्स माइन असा कॉल द्यायला हवा होता। जेव्हा जेव्हा चेंडू हवेत उचलतो आणि त्या त्यावेळी जेव्हा एकाहून अधिक खेळाडू त्या झेलला पकडायला जातात तेव्हा इट्स माइन असा कॉल देणं गरजेचं असतं, ते काही पाहायला मिळालं नाहीये। खरोखर प्रयत्न चांगला केला मिडविकेटच्या खेळाडूने ज्याचं नाव आहे सौरभने, चांगला प्रयत्न केला। पुढील चेंडू पाहूया आता किरण पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर, यावेळी मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये चेंडू, पुन्हा एकदा एक धाव सहजरित्या त्या ठिकाणी घेतली जाईल। चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय, खरं तर या ठिकाणी संयुक्त स्पोर्ट्स या संघाचं चांगली फलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळाली होती, खास करून त्यांनी 45 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे प्रथम फलंदाजी करून स्वयंभू पायगाव या संघासमोर। स्वयंभू पायगाव संघाचे आतापर्यंत 4 गडी बाद झालेले आहेत, निखिल आहे, उमेश आहे, चंदन आहे, पुन्हा एकदा नितीन, नितीन आणि निखिल खास करून चांगली कामगिरी करू शकले नाहीत आपल्या संघाला। यावेळी मात्र जागेहून खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर, पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय, अतिरिक्त धाव निश्चित मिळेल। आपण पाहिला पेस निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात नियंत्रण त्या ठिकाणी कुठेतरी गमावलं आणि त्याचाच परिणाम स्वरूप आपण पाहिलं वाईट त्या ठिकाणी घोषित केलेलं आहे, अतिरिक्त धाव मिळेल। किरण आपलं हे तिसरं षटक हाताळतोय, 45 धावांचं लक्ष असताना आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या आतापर्यंत 24 झालेली आहे। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज स्ट्राईकवर आहे तेजस, यावेळी मात्र पुन्हा एकदा जागेहून पुल करण्याचा प्रयत्न असफल ठरतोय आणि आपण पाहू शकाल चेंडू आणि बॅटमध्ये जरळ जवळ जर बरंचसं अंतर असताना संधी देत नाहीये, एक चांगली सटीक लाईन आली, चांगल्या टप्प्याचा त्या ठिकाणी मारा आपण त्याच्या मार्फत पाहतोय। अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, भेदक मारा करतोय, सटीक गोलंदाजीचं प्रदर्शन त्याच्याकडनं। यावेळी आपण पाहू शकाल अप्रतिम फटका, जागेवर मारलाय जोरदार असा फटका त्याच्या बॅटमधनं तेजसच्या आणि हा जाईल षटकार।
खरतर आपण पाहिलं पुढ्यात चेंडू टाकला त्याचा फायदा अतिशय चांगला घेतला फलंदाजांनी त्या ठिकाणी आणि आपण पाहिलं मोहर लागली होती 6 धावांची मिड विकेटच्या डोक्यावरनं एक अतिशय जबरदस्त तुफान सुसाट असा फटका त्याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळतोय. खरं तर स्वयंभू पायगाव या संघाला पुढे वाटचाल करायची असेल तर असेच फटके खेळावे लागतील. धावसंख्या आतापर्यंत झालेली आहे ती 30 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र या ठिकाणी हे षटक हा षटकार मानल्यानंतर धोक्याची घंटा ती वाजवलेली आहे. खरं तर आता संयुक्त स्पोर्ट्स या संघाला थोडस भीतीचं वातावरण निर्माण करत असताना पाहायला मिळतोय. फलंदाज अतिशय देखणा फटका त्याच्या बॅटमधनं तेजसच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाला. येणाऱ्या 8 चेंडूंवर 15 धावांची आवश्यकता आहे या ठिकाणी स्वयंभू पायगाव संघाला. 8 चेंडूंवर 15 काही होऊ शकतं. शेवटच्या चेंडूपर्यंत काही सांगू शकत नाहीये. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा जागे होऊन अप्रतिम फटका आणि हात जातो क्षेत्ररक्षणाच्या हातात आणि हा एक असा सुंदर असा झेल पाहायला मिळाला त्याच्याकडनं. कोणी घेतला झेल? झेल घेणारा आतिशने एक अतिशय अव्वल दर्जाचा झेल त्या ठिकाणी घेतला. जसा चेंडू हवेत उसळला आणि आपण पाहिलं एक चांगला जज केला झेलच्या खाली आला आणि एक सुंदर असा झेल त्याच्या बॅट मधला पाहायला मिळाला. खरं तर एक चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी मी तर निश्चित म्हणेन. महत्वाच्या वेळी आपण पाहिलं महत्वाचा गडी बाद केलेला आहे. मोठा मासा या ठिकाणी जायत अडकलेला आहे. आता स्वयंभू पायगाव या संघाचे गडी एकूण झाले बाद 5. नवीन खेळाडू मैदानावर येईल ज्याचं नाव आहे समीर. समीर जवळ सुद्धा एक मोठे फटके खेळण्याचा चांगला अनुभव आहे. दर्जेदार फटके आणि बहुतांश वेळी आपण पाहिलंय बऱ्याचशा सामन्यामध्ये त्याने चांगला रोल अदा केलेला आहे. मिडल ऑर्डरला फलंदाजीला नेहमी उतरत असतो तो. संघासाठी नेहमीच त्याने मायकल बेवन सारखी जसा ऑस्ट्रेलियाचा कामगिरी करत असतो तशीच मिडल ऑर्डरची फलंदाजी त्याच्याकडनं पाहायला मिळाली आहे बऱ्याचशा ठिकाणी बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये. यावेळी खरोखरच आता चेंडू उरलेले आहेत ते फक्त 7 आणि 7 चेंडूंवर धावांची आवश्यकता असणार आहे ती 15. येणाऱ्या 7 चेंडूंवर 15 धावांची आवश्यकता. चेंडू मला द्यायचा आहे तिकडे. अतिशय जबरदस्त फटकेबाजी करत असताना आपण पाहिलं. खरं तर निखिल बाद झाला 0 धावसंख्येवर. काही कामगिरी करू शकला नाही स्वयंभू पायगाव संघाचा. तसेच त्यानंतर बाद झाला उमेश जो फक्त 7 धावा करून तंबूमध्ये परतलेला आहे. नंतर चंदन 0 आउट झाला. तेजस 17 धावा बनवल्या चांगलं योगदान राहिलं. नितीन जो की 0 बाद झाला. किरण पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर स्ट्राईकला सज्ज होते. फलंदाज ज्याचं नाव आहे भावेश. भावेशला पुढचा चेंडू जागे होऊन खेळलाय. हवे चेंडू असताना पाहूया स्वतः गोलंदाज त्या ठिकाणी आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये आणि हा झेल सुटतोय. खरं तर हा झेल आपण पाहू शकाल एवढा काही कठीण नव्हता. चांगला प्रयत्न होता गोलंदाजाचा परंतु या क्षणी हा झेल सुटणं ही खूप मोठं नुकसान असू शकेल. कारण की याच्या सारखेला जीवनदान मिळणं ही खतरनाक गोष्ट असू शकेल. मात्र आता चेंडू उरलेले आहेत फक्त 6 धावसंख्या. धावा हव्या असतील त्या 13. येणाऱ्या 6 चेंडूंवर 13 धावांची आवश्यकता असणार आहे स्वयंभू पायगाव या संघाला. ज्या पद्धतीने बॅट चालते इथे भावेश आणि समीर या ठिकाणी आता मिडल ऑर्डरचे फलंदाज आहेत. पूर्ण जबाबदारी पूर्ण दारमदार ही संघाची आता या दोघा फलंदाजांच्यावर असणार आहे. इथून पुढे वाटचाल करायची असेल आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल आणि सामना खरंच जर जिंकायचा असेल तर मोठे फटके खेळावे लागतील. येणाऱ्या 6 चेंडूंवर स्वयंभू पायगाव या संघाला धावांची आवश्यकता असणार आहे 13. शेवटचं षटक जे की महत्वाचं षटक आणि घेऊन येतोय रोशन अतिशय जबरदस्त गोलंदाज आहे. बंदा मारुतीचा खेळाडू आहे खरं तर परंतु अतिशय चांगली गोलंदाजी नेहमीच करत असतो. चांगली फटके खेळण्याची कुवत त्याच्यामध्ये आहे. परंतु यावेळी त्याला आता या ठिकाणी कॅप्टन स्वतः हातात चेंडू देत आहेत की रोशन तुला आपल्या संघाचं नाव रोशन करायचंय. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट ओव्हर. रोशन हॅज ब्रॉट इन टू द अटॅक. 6 बॉल्स आर देअर अँड 13 मोर रन्स आर रिक्वायर्ड हिअर फॉर स्वयंभू पायगाव. हियर वी गो द गेम इज गोइंग टू बी द 6 बॉल्स.
This time just a gentle push, the ball is traveling near the deep point region. Meanwhile, the batsman will be getting a single. So this is very a crucial match right now between these two. Swayukta Sports versus Swayambhu Paigaon. Balls are remaining five. Now the fielder is having some words. Roshan, who will be on again on his bowling mark. Five balls are there, still runs required. 12 more runs required. Anything can happen. Batsman will have to take a calculated risk. This time, middle of the bat, that will be going. Oh my God, that is going and it's going and it's going. Wonderful six from his bat. What a stroke from his bat. He comes down there, 10 middle of the bat, that goes for the six. And this is really a very important knock from him. Now there are still four balls are remaining and six more runs are required. Anything can happen. Well, this is the game of cricket and which is called a glorious game of uncertainties. Anything can be happened till the last ball. We cannot say. The picture is not now clear, but the Roshan will have to bowl some dot deliveries. Now the wicketkeeper personally, well, the fielder personally came. Saurabh had come and having a word with the Roshan. Still there are four deliveries and runs are required. Six runs are required. Anything can happen. This one outside of the off stump and definitely the umpire is going to the giving it wide. Well, we have seen that the bowler was going to create the pace and he has lost the control over it and the ball goes outside of the off stump and that's why the umpire has given it wide. So the extra runs adds into the score. Here we go once again. Roshan on his bowling mark. And this is, he goes back foot. Punch is there. And the fielder, the ball is traveling in the deep extra region. Meanwhile, the batsman will be going for the second. Very good running between these two. What a batting from them. This is really a great match between these. This is a tough encounter between these two teams. Now the runs are there still. Still require three runs to win. Three balls are there and three runs are required. आने वाले तीन गेंदों में तीन रनों की आवश्यकता कुछ भी हो सकता है. आखिरी गेंद तक यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता. रोशन अपने बॉलिंग मार्क पर रहेंगे. स्ट्राइक पर है बल्लेबाज जिनका नाम है भावेश. इस बीच काफी बेहतरीन मैच इन दोनों के बीच. रोशन फिर से एक बार गेंदबाजी मार्क पर रहेंगे आने वाले तीन गेंदों में. इस बच्चे के चटा से खेलना चाहते थे. काफी तेज कर रहा गेंद थी. ब्लॉक होल में गेंद थी. हालांकि बल्ले पर नहीं ले पाए. सीधी गेंद जा चुकी है विकेट कीपर के हाथों में और बिल्कुल ही मौका नहीं दिया जा रहा है. हालांकि अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर रोशन द्वारा. सटीक गेंदबाजी. बिल्कुल अच्छा पिच कर रहे हैं और शायद अभी टेंशन में जरूर होंगे बल्लेबाज जिनका नाम है भावेश. भावेश पाटिल जिनमें काबिलियत है बड़े स्ट्रोक खेलने की. लेकिन रोशन फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर रहेंगे. इस बीच देखिए जगह से खेला. उन्होंने ड्राइव लगाया है. लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है. पहला रन तेजी से पूरा किया. दूसरे रन के लिए क्या जबरदस्त दौड़ लगाई थी. लेकिन उसका फायदा कंपलसरी चेसिंग है. एक गेंद आने वाले एक गेंद में प्लीज फील्डिंग लगाइए. कोई मीटिंग की जरूरत आवश्यकता नहीं है. वहां पर आने वाले एक गेंदों में दो रनों की आवश्यकता है. आपके मालूमात के लिए बताता चलूं कि चेसिंग कंपलसरी है. क्या मैच इस बीच दोनों बीच चल रहा है. एक तरफ से हम देखेंगे स्वयं को पाएगा बल्लेबाजी करते वक्त बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. हालांकि इस बीच हमने देखा संयुक्त स्पोर्ट्स का संयुक्त बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रोशन द्वारा. आने वाले एक गेंदों में दो रनों की आवश्यकता. चेसिंग कंपलसरी. हमने देखा फील्डिंग का फील्ड पोजीशन डीप पॉइंट में है. डीप एक्स्ट्रा कवर है. लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग है. शॉर्ट फाइन लेग है. शॉर्ट थर्ड मैन. इस बीच अगली गेंद और ये देखा ड्राइव किया है. पहला रन तेजी से दौड़ के निकला है. दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहेंगे. हाथ में रखा गेंद और ये मौका उन्होंने गवा दिया.
जिस तरीके से बल्लेबाजी की, हालांकि एक गेंद में दो रनों की आवश्यकता थी, लॉन्ग ऑफ पर खेला था और दौड़ लगाई, दो रन पूरे किए। अच्छा मैच इन दोनों के बीच, लेकिन आखिरी दम तक हमने देखा, आखिरी गेंद तक इस मैच को लिया था, लेकिन स्वयं गोपालगांव ने इस मैच को जीत लिया। काफी अच्छा मैच, काफी अच्छी बल्लेबाजी दिखाई दी, खास तौर पर उन्होंने बेहतरीन दौड़ लगाई और इस मैच को जीत लिया है। मैन ऑफ द मैच रहेंगे भावेश। जिताऊ पारी खेला उन्होंने और भावेश को हम जरूर बताएंगे कि आप यहां पर आइए। भावेश कदम मैं ना विनंती करते हैं, अपन अपने शुभ हस्ते या ठिकाणी द्यायचं आहे। मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी आपण आमंत्रित करतोय। खरोखर चांगली पारी खेळली, जोरदार टाळ्या वाजवायच्या, जोरदार टालिया हम बजाएंगे जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली और अपने टीम के लिए यहां पर उन्होंने अच्छा योगदान रहा। तो माइक्रोफोन पर आएंगे अगले कमेंट्री के लिए रकीब अंसारी, जिन्होंने बेहतरीन इस मैच, इस पूरे टूर्नामेंट में रंग भरा है और अच्छी हिंदी के कमेंट्री करते हैं। रकीब अंसारी भाई माइक्रोफोन पर आइए।